हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नेहा खरे फ्रॉम SAIT कॉलेज भोपाल। टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट इन लुब्रिकेंट्स। सो इन दिस चैप्टर दीज डिफरेंट पॉइंट्स आर रीड इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। सो वी नो दैट एनी सब्सटेंस इंट्रोड्यूस बिटवीन टू मूविंग और रविंग सरफेस with a view to reduce the frictional resistance between I think two rubbing surface is called a lubricants. Okay, and the lubricants used does not allow direct contact between the rubbing surface by keeping its own film in between the rubbing surface. So this is called as lubricants. And what is lubrication? In this process of reduce frictional resistance between moving or rubbing surface by introduction of lubricant in between the surface is called lubrication. So lubrication एक process है जो कि lubricant जहाँ हम use करते हैं कोई भी दो surface के बीच में जब lubricants का use किया जाता है तो जो प्रोसेस कहलाती है दैट इज़ कॉल्ड लुब्रिकेशन। सो दिस इज इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। सो इन दिस टॉपिक फर्स्ट वन इज लिक्विड लुब्रिकेंट्स, सेकंड सॉलिड लुब्रिकेंट्स एंड सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स। सो फर्स्ट इज लिक्विड लुब्रिकेंट्स। In the include animal oil, vegetable oil, petroleum oil and synthetic. These are the synthetic lubricants. Difference all oils जो कि हम lubricants के form में use करते हैं generally जो हम kitchens oil में use करते हैं and petroleum oil में mineral oil के लिए use करते हैं तो सारे oil सभी oil ये लिक्विड लुब्रिकेंट्स के अंदर ही आते हैं। फर्स्ट इज फॉर एग्जांपल्स एनिमल ऑयल वेजिटेबल ऑयल एंड पेट्रोलियम ऑयल। सेकंड इज सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, फॉर एग्जांपल ग्रीस। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर फॉर्म्ड बाय इमल्सीफाइंग ऑयल एंड फैट विथ थिकनिंग एजेंट लाइक सोप ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम लिथियम एल्यूमिनियम एट हाई टेम्परेचर। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स हाई टेम्परेचर पर इन सोप के जो कैल्शियम के सॉल्ट मटेरियल रहते हैं इनके थ्रू फॉर्मेशन होता है। क्लासिफिकेशन सोडा बेस्ड लुब्रिकेंट्स, जो ग्रीस होता है सोडा बेस्ड एंड हम देखते हैं लिथियम बेस्ड एंड कैल्शियम बेस्ड। तो सोडा बेस्ड लुब्रिकेंट्स में क्या है, इन दिस केस सोडियम सोप्स आर यूज एज अ थिकनिंग एजेंट इन मिनरल्स और पेट्रोलियम ऑयल। दे आर स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, दे कैन बी यूज अप टू 175 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड इज लिथियम बेस्ड, इन दिस केस लिथियम सोप, लिथियम के कुछ सोप्स में कंटेंट मौजूद रहते हैं जो कि एक इमल्सीफाइंग एजेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर द इमल्सीफाइंग विथ पेट्रोलियम ऑयल, दे आर वाटर रेजिस्टेंस एंड यूज्ड अप टू 150 डिग्री। कैल्शियम बेस्ड, इन दिस कैल्शियम बेस्ड सोप आर इमल्सीफाइंग विथ पेट्रोलियम ऑयल, दे आर ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट एंड यूज अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड एट हायर टेम्परेचर। सोप and petroleum oil are separate from each other. Next, third point है solid lubricants. Solid lubricants वो हैं जो solid के form में जिनका हम use करते हैं। For examples, graphite, molybdenum sulfide, boron nitride, etc. etc. These are the used as a solid lubricants. They are used under high temperature and high load pressure. सो सॉलिड लुब्रिकेंट्स में हम फर्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड का। जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इस तरह से शो होता हुआ दिखेगा। सेकंड है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
lubricants. It is the most widely used as a solid lubricant. Graphite has layer structure. Layers are held together with the help of weak van der Waal forces. इसके जो van der Waal force होते हैं वो बहुत weak होते हैं, easily टूट जाते हैं. This facilitates the easy sliding of one layer on the other hand layers. It is very soapy to touch, non-inflammable. It is used at high temperature around 450 degree centigrade conditions. They are either used as powder form or mixed with the oil or water. Generally, जो आप pencils में use करते हैं, these are the graphites. This is structure of the graphite. So, आप जो carbon atoms के side में जो van der Waal देख रहे हैं, वो एक तरह से bond हैं, जो कि बहुत ही weak रहते हैं, और हर carbon atoms के बीच का जो distance है, 0.14 नैनोमीटर है, एंड कोवेलाइन बॉन्ड इनको फॉर्मेशन के में हेल्प करता है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स. तो फर्स्ट इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इसमें, कि लुब्रिकेंट्स की जब हम यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करनी होती हैं. फर्स्ट इज क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट. क्लाउड पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच लुब्रिकेटिंग ऑयल बिकम क्लाउडी इन अपीयरेंस इज कॉल्ड क्लाउड पॉइंट. सो दीज प्रॉपर्टीज़ आर हेल्ड ऑन द एक एपरेटस है, इसको हम लैब में परफॉर्म करते हैं, उसमें आइस क्लोज करके और हम क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट्स ऑयल बिकम सेमी सॉलिड एंड केसेस टू फ्लो इट्स कॉल्ड पोर पॉइंट. ओके, इट इंडिकेट द सस्टेबिलिटी सुटेबिलिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स यूज्ड इन कोल्ड कंडीशंस. गुड लुब्रिकेंट शुड पजिस लो पोर पॉइंट. जो अच्छे लुब्रिकेंट्स होते हैं उनका पोर पॉइंट लो रहता है. नेक्स्ट है फ्लैश पॉइंट, देन फायर पॉइंट. फ्लैश पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट मोर देन मोर प्रैक्टिकली परफॉर्म ऑफ द फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट. द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ वॉलेटाइल मटीरियल इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ द मटीरियल विल इग्नाइट फॉर अ मोमेंट. When an ignition source is point of a volatile material is the lowest temperature at which vapor of the material will ignite for a moment when an ignition source brought near to it. So these flash point are we will discuss about in and we will find in for apparatus, different apparatus like Cleveland open cup, Abbey's closed cup and Penske Martin apparatus. These apparatus are used in this process for flash point and fire point. Final. Next है fire point. The fire point of a fuel is the lowest temperature at which the vapor of that fuel will continue to burn for at least 5 seconds when an ignition source brought near to it. Fire point is around 10 degree higher than the flash point. Next is viscosity. So next is viscosity. Viscosity is the property of a fluid that determines its resistance to flow. It is an indicator of flow ability of lubricating oil. The lower viscosity, greater will be the flow ability. If temperature increases, viscosity of the lubricating oil decreases and pressure increases, viscosity of lubricating oil increases. So that in this short we can say that good lubricating oil is that whose viscosity does not change with temperature. नेक्स्ट विस्कोसिटी इंडेक्स. विस्कोसिटी से ही हम विस्कोसिटी इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं. सेकंड, द वेरिएशंस ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड विद टेम्परेचर इज कॉल्ड विस्कोसिटी इंडेक्स.
A relatively small change in viscosity with temperature is indicated by higher viscosity index, whereas a low viscosity index show a relatively large change in viscosity with temperature. विस्कोसिटी इंडेक्स का हम फार्मूला भी देखते हैं जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, जिसमें है लोअर विस्कोसिटी, हायर विस्कोसिटी एंड अंडर विस्कोसिटी। हम ये तीनों पॉइंट इसमें यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन। जो मैकेनिज्म एंड लुब्रिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। सो दीज आर देयर इज टू मैकेनिज्म ऑफ lubrication used in this chapter. So first one is thick film or fluid film or hydrodynamic lubrication, and second hai thin film and boundary lubrication. So first one is thick film lubrication. It is carried out with the help of liquid lubricants. In this mechanism, two moving and sliding surfaces are separated by thick film of lubricants fluid or of about 1000 angstrom approx rahega iska, applied to probing prevent direct surface to surface contact and consequently reduce wearing and tearing of metals. Therefore it is known as thick film or fluid film lubrication or hydrodynamic lubrication. इनके आप किसी भी नाम से आप इनको सारे नाम याद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी नाम से ये क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट इज ये दिया है हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन का एग्जांपल्स, एंड यहाँ एक मेटल्स का एग्जांपल दिया है जिसमें हमने क्या दिया है, ऊपर मेटल सरफेस है और नीचे से मेटल सरफेस है, जिसमें सेंटर पार्ट जो है वो थिक लेयर लुब्रिकेंट्स है, जो एक लेयर्स लगाई गई है जो डॉट आउट लाइन से आपको शो हो रही है। दिस इज थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट्स। सो इन दिस टू पार्ट्स रबिंग सरफेस है, इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 1000 angstroms। इतना angstroms की लेयर्स हम इसमें लगाते हैं। इन दिस केस फ्लूड इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑयल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स विथ लॉन्ग चेन पॉलीमर सो एज टू मेंटेन विस्कोसिटी। फ्लूड फिल्म लुब्रिकेशन इज यूजफुल इन डेलिकेट एंड लाइट मशीन लाइक वॉचेस, क्लॉक्स, गन्स एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। इन दीज इक्विपमेंट्स आर यूजेस ऑफ थिक लेयर लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट इज थिन फिल्म और बाउंड्री लुब्रिकेशन, जो कि हमारी सेकेंड प्रोसेस है। इट इज़ कैरीड आउट विथ सेमी सॉलिड और ग्रीस एंड सॉलिड ग्रेफाइट एंड मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड लुब्रिकेंट्स। थिन फिल्म की जो लुब्रिकेंट में यूज किए जाते हैं उसमें हम देखते हैं कि ग्रीस एंड सॉलिड लुब्रिकेंट्स में मॉलिब्डेनम और ग्रेफाइट्स में से कोई भी यूज कर सकते हैं। Boundary lubrication is a condition in which the lubricant's film become too thin to provide total separation. In this type of lubrication, a thin film of lubricant is absorbed on the surface by weak van der Waals forces. Thin film lubrication is operating at relatively low speed and heavy loading pressure. For examples, this is heavy loading surface. Heavy loading surface, moving surface, and lower part is moving surface. जो कि low speed और high speed डिपेंड करता है मशीन के ऊपर कि वो कितना टेम्परेचर पर या कितना हाई स्पीड से या कितना प्रेशर से वो मूव कर रही है। सो इन दोनों के सरफेस के बीच में जो हमने थिन फिल्म का लुब्रिकेंट का यूज किया है, वो हमने कौन से लुब्रिकेंट्स का यूज किया है, लिक्विड लुब्रिकेंट्स का यूज करेंगे, अदरवाइज सॉलिड लुब्रिकेंट्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, एक्सट्रीम प्रेशर
or temperature lubrication. So in this mechanism, moving or sliding surface are under high pressure and speed. Therefore, this is known as the extreme pressure lubrication. In such a case, high temperature generate due to friction. Under these conditions, liquid lubricants are fail to stick and decompose or vaporize. These problems are minimized by special additives are added to mineral oil. These additives from durable film or on metal surface which can withstand high load and high temperature. Okay, important additives are organic compounds. For example, different organic compounds in these groups like chlorides, sulfur, phosphorus, etc., etc. And extreme pressure lubricants are metallic compound possess high melting points and serve good lubricants under extreme pressure, extreme temperature and pressure, like chloride, sulfide, phosphate and more durable film. Next point here, we will discuss applications of lubricants. So first is, lubricants are primarily used to reduce the friction between two moving surface. Okay, next is rust and corrosion inhibitors, and next, used in the soap and paint industry. Generally applications mein hum, uses mein hum kya likhenge ki jitni bhi moving or sliding surface hai unme hum फ्रिक्शन कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं. रस्ट एंड कॉरोजन इनहिबिटर्स. ओके, आयरन की रस्ट भी इसमें यूज़ की जाते हैं. यूज्ड इन द सोप एंड पेंट इंडस्ट्री. पेंट इंडस्ट्री में भी ये सोप का यूज़ किया जाता है. सोप इज़ अ वेरी गुड लुब्रिकेंट्स फॉर इंडस्ट्रीज. डिफरेंट मशीनरी पार्ट्स जो कि ईजिली वर्क करने लगती हैं. Liquid lubricants are used in medicines. Mostly liquid lubricants जो कि medicines में जिनका use किया जाता है. For examples, digestion system के लिए कुछ जिसमें intestine में अगर इंसान क्योंकि किसी की human body को problem होती है तो उसमें भी एक liquid lubricant देते हैं जिससे उनका digestion control रहता है. Lubricants are also used as cutting fluids in cutting, grinding, drilling of metals. डिफरेंट लुब्रिकेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड में भी रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स ग्रेफाइट. सो ग्रेफाइट कुछ कुछ मटीरियल की कटिंग में भी उसका यूज़ किया जाता है. यूज्ड एज एंटी वियर, एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे. ओके.